अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं? नेक्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 5। अब हमारा नेक्स्ट जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 11। मंथ ऑफ अप्रैल का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 11। और उसमें बेसिक चीज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलने की ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल, और मेटर मीन मेयर, यानी मेयरमेंट ऑफ ए ट्राई एंगल। दूसरे लफ्ज में मुसलस की पमेश को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले हमने बड़ा बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्रोन हेयर। अब सम से बनाइए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है। हमें हमने एक राइट एंगल ट्राई एंगल बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से मजीद जो है वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम हम बी ले देते हैं, इसका नाम हम सी देते हैं। अब हमने जब इस पे हमारा पैथागोरस जो है वो थ्योरम यूज हो जाएगा, जहां एंगल 91 है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और नीचे जहां एंगल बन रहा था वो उसकी बेस होती है, और जहां हमारा एंगल बनेगा एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है, और जो नीचे होता है उसका बेंदा यानी उसकी बेस होती है, और समझो उसका अल्टीट्यूड होता है। फिर हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्स क्या होते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकंड होता है, कॉस का जो होता है वो सेकंड होता है, टेंजेंट का जो होता है वो काट होता है। तो हमें ये भी इवन में होने चाहिए।